दोस्तों हाल ही में न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई भी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च नहीं होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्या होगा? क्या जो अपडेट मई और जून में दिया था कि उन्होंने जो डिलीवर करेंगे, तो दोस्तों उसका क्या डिलीवर होगा या नहीं होगा? क्या रीजन है दोस्तों जो अचानक गवर्नमेंट को ये वाला कदम उठाना पड़ा? तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो ये अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या ये न्यूज जो आई है अपडेट के कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं होगी, यह सही है या गलत? आज की वीडियो के अंदर दोस्तों पूरी डिटेल में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी या नहीं, तो सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो से किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको जानने में हेल्प मिल जाए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हुआ क्या है, ध्यान से सुनिए, मैं पूरा आपको क्लियर करके बताता हूँ। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा दोस्तों आग लगने लगी थी, मतलब कहीं भी हम बात करें ओला S1 की या एथर की, कहीं भी आग इसमें लग जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए काफी सारे इंस्ट्रक्शन बना दिए गए हैं और साथ ही में ये खबर आई है दोस्तों कि अब कोई भी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च नहीं करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये न्यूज आई है कि कोई भी कंपनी अपनी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च नहीं करेगी, ये पूरी तरीके से गलत है, फेक न्यूज है दोस्तों, जो बहुत सारे सवाल या मैंने अभी न्यूज देखी आ रही है। दोस्तों लॉन्च सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगा दिए गए हैं दोस्तों सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से, और सेम इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस आपको दोस्तों सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों कुछ कस्टमर के सवाल आ रहे थे कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या डिले होगी ये इस अपडेट के बाद, तो मैं दोस्तों बता दूं क्योंकि स्टे लगा दिए गए हैं, अब कोई न्यू ईवी लॉन्च नहीं होगी। जैसे कि मैंने दोस्तों अभी क्लियर किया है कि ये एक तरीके से बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बात करें सिंपल वन डिले होगी या नहीं, तो दोस्तों अपडेट से सामने ये आया है कि इस मई के थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक जितनी भी तरीके की टेस्टिंग है सिंपल वन की वो सब कंप्लीट हो जाएंगी, बट दोस्तों उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करूं या कुछ पेपर्स की बात करूं कंपनी को बताने होंगे, साइन करने होंगे कि आपके स्कूटर की सेफ्टी किस हद तक है, क्या इससे इसका जो खरीदने वाला कस्टमर है वो सेफ है, आपकी स्कूटर किस हद तक फायर प्रूफ है, ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट को डिटेल में दोस्तों लिख कर देना होगा इन कंपनी वालों को। उसके बाद गवर्नमेंट की ऑफिशियल टीम, हाँ दोस्तों हाँ ऑफिशियल टीम आएगी और हर तरीके से इस स्कूटर को टेस्ट करेगी। जब वो टेस्ट दोस्तों क्लियर कर देते हैं कि हाँ इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी, उसके बाद दोस्तों ये मार्केट में कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। तो कुछ इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन दोस्तों गवर्नमेंट ने बना दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और दोस्तों साथ ही में सुभाष कुमार ने खुद कहा है कि उनका स्कूटर सबसे ज्यादा पावरफुल या सेफ्टी की बात करें सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी स्कूटर है उसमें हम बैटरी की बात करें या मोटर की बात करें तो फायर प्रूफ या और तरीके की जो सेफ्टी होती है सबको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बाकी दोस्तों बात करें सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसके तो अपडेट काफ़ी टाइम से आ रहे हैं कि अपडेट पे अपडेट, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर था वो अपडेट बिल्कुल फेक है। हाँ कुछ गाइडलाइंस लगा दिए गए, इंस्ट्रक्शन लगा दिए गए हैं, ये बात सही है। और दोस्तों साथ ही में सुभाष कुमार का कहना है कि जहां इतना वेट किया तो बस थोड़ा सा और वेट करिए इस स्कूटर के लिए, अगर आप इस स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जो अपडेट आया था हमने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको जानने में हेल्प हुई है तो एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर।